GoPro। अच्छा तो इसी साथ वीडियो बनाते हैं? जी हाँ जी, वेरी गुड। करने दो यार। तो ये वही सोनी का होता है या किसका है ये? ये देखो बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रणाम बाबा जी। थोड़ा तेज बोलो बेटे। सेवा तो बस आशीर्वाद दे सकता है नहीं, वो किसी लेने वालों में से कहता है एक से एक रुपया दे सकता मैं, वो किसी बाबा एक से एक रुपये मांग रहे हमसे। गलत आदमी के हाथ पड़ गए। देख रहे हो राम, ये है टिपिकल इंडिया जहाँ पे आपको पॉन्ड्स की खुशबू आएगी। सबने पॉन्ड्स पाउडर लगा रखा है। मलाई वाली, दूध वाली, कुल्फी खाओ, कुल्फी खाओ जी। आज कैलाश की बोलो वीडियो अच्छे वाले। ओए होए क्या गंगा बह रही है, देखो नीली नीली बिल्कुल क्लियर पानी आ रहा है भाई। यही लगा ले, ये आप हमें वो भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, ये सही है दादा जी। अरे उधर छाया है, तो हम उधर हो जाएंगे। वही तो ब्यूटी है, देख लेंगे। चलो ब्यूटी दिखाए आपको, आज मजा आएगा। और कल क्या करेंगे? राफ्टिंग। हाँ बहुत अच्छा, राफ्टिंग नहीं अपन वहाँ पे ट्रैकिंग भी करेंगे। ट्रैकिंग तो देखते हैं आज भी करें, दो तीन मिनट में ट्रैकिंग। अरे यार इतनी सुंदर सुंदर जगह है यार। हाँ देखो मैं लोग ऊपर से भी कूदते हैं उसके ऊपर से। अच्छा लोग, लेकिन अभी शायद बच्चे वगैरह यहाँ कौन रोक रहा है? लेके आते हैं जाना हफ्ते प्रोग्राम है। आज दू नंबर दिन है ना हमारा, अपनी घर वाले से ही पूछ रहा हूँ के प्रोग्राम है तेरा। ये और असली वाली नकली वाली भी नकली वाली और शिव जी भगवान जी उधर। हाँ ऐसे ऐसे चलेंगे पटरी पटरी। ओके मैं कितने सस्ते में काटने वाले थे। सही कह रहे हैं। यहाँ से नजारा देखो। इतनी भीड़ रहती है इसमें लोग ही तो और है क्या? झूठा स्नान नहीं करेंगे कैलाश, पूरा स्नान करेंगे। यहाँ से सीधा हरिद्वार निकल लो, वापस डाल लेंगे जो कहना। इतनी गर्मी तो वैसे ही सूख जाना है। अब छाया में चल सकते हो जी। गंगा द्वार हर की पौड़ी, ये है वो मंदिर है वो बोल वाला। यहाँ पे छाया है इसके नीचे। हरिद्वार आते क्यों हैं तो बता दो भाई। हरिद्वार आ गए और यहाँ डुबकी ले रहे हैं सब लोग अपने अपने पाप धोने। जितना
लिखा है कि प्लास्टिक की पॉलीथीन नहीं होनी चाहिए हर एक की, आप देख रहे हैं प्लास्टिक दिखाने के लिए अरे भाई ये तो सब पे जुर्माना होगा, सब पे होगा ना बिछावे तो फिर यात्री के सारे कपड़े भरने फिरेंगे। अच्छा अच्छा, ये वापस करके भेज देते हैं। हाँ लिखा है प्लास्टिक की वो चटाई यूज करना 5,000 रुपये, वही बेच रहे हैं 5,000 मिलेंगे कैसे? लेकिन अपने कपड़ों को कोई लेके थोड़ी जाएगा। नहीं मैं खड़ा होना तुम कपड़े खेल तो मैं नहीं कर रहा, मैं कल ऋषिकेश में डुबकी लगाऊंगा। हाँ तो फिर ये डुबकी लगाए तो मैं फिर मिलूंगा। ये कौन है? हाँ कौन है ये? अच्छा ये वीडियो बन रही है। हाँ जी पकड़ो। अच्छा इसको बस पकड़ के रखना है, ये लेंस पे ना है लेंस। अच्छा बस मुझे पकड़ के रखना है, जिधर को अच्छा सीन आए उधर ही देख लेना, ऐसे रखना है ना। ज़्यादा गहरा मत जा। अगर राफ्टिंग हो रही होगी तो और मजा आएगा। अगर आई डाउट अभी शुरू हो गई होगी। अब क्या यहाँ पूछे जी? क्या यहाँ पे आंखें वो हो रही है? आप रिकॉर्डिंग कर लो, एक फोटो के 80 रुपये हैं। ये क्या है भाई इधर बताओ देखे, ये क्या क्या है? क्या क्या है ये? क्या है? ये शिलाजीत है। शिलाजीत? हाँ शिलाजीत। किस लिए? डैश उस लिए था, गाड़ी थी डुबलों में।
शिलाजीत ऐसे कलर में तो नहीं होती। और ये बाल किस लिए हैं? बाल क्या है? ये खुशबू के लिए, जादू के लिए, अंदाजा टोने का जादू। अच्छा जादू कैसे? और ये क्या घूर रही है? अच्छा वो शिलाजीत है। ये किसका होता है? सांबर मोस्ट होता है, जादू नजर टोने का। ये काय का जानवर के बाल है? ये मोस्ट होता, मोस्ट सर बॉयल खाना कच्चे खाना मिक्स कर दे सर। तीखा खाना है? दिखाओ जरा पहले क्या चले। तीखा खाना है सर? हल्का सर। एक बार ये सैलेड और डाल दे सारे। सर ज़्यादा हो जाएगा? ज़्यादा नहीं चाहिए। एक ही बनवाना है एक काफी? हाँ बस एक ही। एक ही बनाया है सर। चला फिर उसके बाद इंडिया का छोटा मोटा स्विट्जरलैंड। सही बात है। और ये बांध नंबर कौन सा है जो बांध था पीछे? ये जो चीला डैम। चीला डैम हाँ जी, ऋषिकेश के बिल्कुल ही नजदीक है। हाँ जी। और देखो अगर आपको रहना है यहाँ पे, गांव की लाइफ बितानी है, तो यहाँ पे आ सकते हैं। अच्छा ये बिना फ्रिज वाला है? ऊपर पानी है यार, ठीक है भाई। आप हमारे यहाँ जैसे रोहिणी बोलते हैं, आप डेरा बोलते हो? डेरा हूँ। इसका इन्होंने अच्छा खासा यूट्यूब में कर रखा है इन्होंने आवाज में। और एक देहरादून में हो रहा है आपकी तरह? देहरादून में वो है क्या नाम अपना, हनीफ। हाँ हनीफ, उसका मैंने देखा था, उसका भी अच्छा लगा मुझे। ये रोहित जी क्या है कि यूट्यूबर हैं, आप इनसे भी कनेक्ट होइएगा। हाँ, काफ़ी कुछ ये आना चाहिए। ये डेरा गुजर करके गाँव है। हाँ जी। और ये जो गाँव है वन गुजर लोगों का गांव है, जो कि काफ़ी अभी सरकार के साथ भी बहुत समस्याओं के साथ घिरे हुए हैं। प्रॉपर ज़मीन अलॉटमेंट इनके साथ नहीं किया गया, जिसे काफ़ी जो वन गुजर हैं उनको तो 10 बीघा ज़मीन अलॉट कर दी सरकार ने, लेकिन अभी तक इनको स्थायी जगह नहीं दी है। इनका जो मेन कार्य है वो है कि ये पहले तो खेती करते थे, लेकिन अभी खेती की ज़मीन है नहीं, तो भैंस चराते हैं, गाय चराते हैं, कुछ बकरियां भी रखते हैं। आप लोगों का जीवन जो प्राकृतिक आपदाओं से भी भरा रहता है और प्राकृतिक जगह रहते हैं, नेचुरल तरीके से रहते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है। हाँ, वो हिरन का पूरा झुंड है। आप देखिए वहाँ हिरन है। हम लोग बहुत ही नेचुरल जगह हमें पसंद है। ये ऋषिकेश से बहुत नज़दीक है, हार्डली 3 से 4 किलोमीटर है ऋषिकेश एम्स से, बट बहुत सौंदर्य जगह है, बहुत सुंदर जगह है। वो देख लीजिए वो डेरा, इसकी आप ले लीजिए फोटो, बहुत सुंदर। आप हमजा हैं जो बैठे हुए हैं, आप काफ़ी सोशल आदमी हैं, सोशल वर्कर हैं, गुजरू में अपने आप की एग्जिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। काफ़ी नोमेडिक जातियां हैं जो यहाँ आसपास के गांव में रहती हैं, जिसमें वन गुजर काफ़ी बहुतायत में यहाँ हैं, जो छोटे छोटे कुड़मों में बसे हुए हैं।
तो ये है यहाँ की सुंदरता। हम लोग आए तो घूमने थे, लेकिन हम देख रहे थे कि चलो किसी गांव में इसी केस के आसपास देखा जाए नोमैडिक कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या उनका धंधा है। है मैं संस्थापक हूँ वन गुजर ट्राइबल युवा संगठन का। पूरे उत्तराखंड राज्य में जो वन गुजर्स है और इसी तरीके से जो सेमी नोमैडिक ट्राइब्स है, बहुटिया और बॉक्सा वगैरह जो उत्तराखंड से हैं, उनके जो लैंड राइट्स वगैरह का मामला है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, और ज़्यादातर हमारा फोकस वन गुजर्स कम्युनिटीज पे है। तो ये जो इलाका है जहाँ आप आए हैं बैठे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल में। यहाँ से ऋषिकेश जो है वो नज़दीक है, पर वो डिस्ट्रिक्ट देहरादून में पड़ता है, तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेट है वो सब पौड़ी में है। तो ये जो इलाका है ये राजाजी टाइगर रिज़र्व है, और इस ये जहाँ हम बैठे हैं ये कोर जोन है टाइगर रिज़र्व का। इस पूरे इलाके में जो आप सामने देख रहे हो माउंटेंस में, इसमें सब में वन गुजर थे, जो 1983 में रीसेटलमेंट पॉलिसी के तहत 1988 में लगभग इनको 1390 परिवारों को कैंडी खाता डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में सेटलमेंट कर दिया गया। बाकी जो ये परिवार अभी यहाँ है ये रिसेटलमेंट से उस टाइम छूट गए थे, और जो अभी माइग्रेशंस करते हैं कुछ फैमिलीज जो है अल्पाइन में जा रखी है, अल्पाइन मेडों में उत्तरकाशी और उत्तर प्रयाग के बुग्यालों में, कुछ खादर चारागाह में जाती है जो बिजनौर और मुजफ्फरनगर का जो गंगा नदी का चारागाह है। यहाँ लगभग 86 परिवार है, 86 परिवार है, और सारे ही गाय भैंस पालते हैं, और मुख्य पेशा भी जो है गाय दूध और दूध से बनी सामग्री बेच के ही। जंगल में सोने के लिए आपको ये वाला हट मिल सकता है, अंदर से मैं दिखा दूं इसे, यहाँ पे अगर आप चाहें तो सो सकते हैं, कुछ छोटा मोटा दिन में इनके यहाँ पे पढ़ाई होती है, और कुछ इन्होंने अपने लिए लिखा हुआ है। हमारे लोग गोजरी नस्ल की भैंसों को पालते हैं, भैंस हमारे कई सारे त्योहारों का हिस्सा होती है, युवा वर्दों को उनके शादी के दिन तोहफे के तौर पर भैंस दी जाती है, युवा लड़कों को खेतने के दिन अपने माता पिता के रूप में भैंस देते हैं, और हमारे बहुत से बैंस जानों के साथ हमारे प्यार का बखान करते हैं। तो आप पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है, चराई निकलता कि जंगलों में तो इस ताल से हमारी भैंसों को भूख से बचाया जा सके। गुजर वन काफ़ी सारे हैं उत्तराखंड में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, उसमें से एक यहाँ पे भी है। उन्होंने 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गुजर दिवस भी मनाया है। नेचुरल हवा आएगी इधर से, और दरवाज़ा कहीं पे है नहीं, लेपर्ड आ जाता है कभी कभी, कभी कभी हाथी आ जाता है। आपको यहाँ रहना पसंद है तो मैं इनका नंबर दे दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट करके रह सकते हैं। इधर से हाथी हिरन का झुंड अभी अभी गया है, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं कहते हैं, लेपर्ड से दोस्ती है इनकी। हमारी भैंसों को दूध हमारे लिए पोषण चारा आय का भी जरिया है। रोहित जी पूरे संसार में घूमते रहते हैं, इसको छन बोलते हैं, छन छन। तो जहाँ पे हम खड़े हैं ये छन है, इसे नेचुरल तरीके से बनाया जाता है, जिसके लिए सिर्फ इसमें मिट्टी, लकड़ी, घास, थम ऊपर छत एक ही खम्भे वाली झोपड़ी होती है। मिट्टी और गोबर मिक्स करते हैं इसमें, ये तो अपने राजस्थान में भी बनता है, बहुत बनता है राजस्थान। इनफैक्ट मैं तो काम में चाह रहा हूँ कि ऐसा ही बनाऊ, मैं मकान में क्यों इन्वेस्ट करूँ, कभी कभी तो जाते हो आप ये ठंडे साफ सुथरा है, इससे बेटर कुछ होता ही नहीं। मैं बता रहा हूँ रहने के लिए, हमारे पड़दादा वगैरह तो वो भी हम तो फिर नदी के किनारे जाके बस गए, और हमें सरकार ने जमीन दे दी, एक भी जमीन खरीदी हमारी भी नहीं है, आपकी तरह से हमारे दादा साथ में एक नदी भी है। एक दो तीन सूखे वाले अब ये क्या शहर में तो हमेशा रहते ही है, मैंने कहा यार Thank you.
ये देखो जो पंजाब में लोग जला देते हैं इसको, लोग जलाते हैं लेकिन उत्तराखंड में ये हजारों। इसका एक लेडी ने थाईलैंड में पेपर प्लेट वगैरह बनाने शुरू कर दिए। अच्छा इसके? हाँ हाँ, बहुत सारी चीजें। कोई एक ने इसको इतना ठोस कर दिया कि कोयले जैसा काम करने लगा है। इनको बता रहे थे आप लेपर्ड कुछ नहीं कर सकता इनका। ये ऐसी ब्रीड है कि लेपर्ड भी इनका कुछ नहीं काट सकता। टाइगर इससे बड़े बड़े सींग होते हैं बल्कि। अच्छा और जो लोग सोचते हैं कि भैंस एक ही प्रकार की होती है, 17 तरीके की होती है। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि ये सीड्स डिस्पर्सल करती है। अच्छा। यहाँ जितना भी ये गुटेल का ट्री देख रही है, वाला एक गुटेल होता है। हाँ। जितना भी इसमें देखे सारा इसमें ला रखा है गोजरी भैंस ने। यहाँ से ये इसका जो जंगल था वो यहाँ से 30 किलोमीटर दूसरा इलाका है, वहाँ जाके लॉटिंग की थी और वहाँ से उस सीड्स को खा के और इधर डिस्पर्सल किया। ओके, अच्छा पूरा जंगल इसने बनाया है। जो ये गोबर है ना इसमें, वो बीज है ना, वो वही जो वहाँ से लोकिंग करते हैं ना पत्ती, वो खा करके आई। तो यहाँ गोबर की खुशबू नहीं आ रही है, ठीक ठाक खुशबू आ रही है। बड़ा नेचुरल वो खाते हैं ना। तो इनको वैसे बांट वांट नहीं देते आप, नेचुरल जो खाते हैं वही है? तो वही, बाकी पुराल खाते हैं। ओके, हाँ ये पुराल जो है, हाँ जैसे वो खा रही है थोड़ा बहुत खल चौक। इधर भी गाँव है आपके? ये भी डेरे? हाँ डेरे। एक छोटा बछड़ा, ये भागा ये भागा। लाइट कम होती जा रही है, अदरवाइज यहाँ पे दिखाने के लिए काफी कुछ है। ये इसको जेकॉल लोमड़ी है। हाँ तो इस खेतों में बहुत होगा। एकदम दूर से लेपर्ड जैसी लग रही है। एक सेकंड, लेपर्ड नहीं है लोमड़ी है एक्चुअली। लोमड़ी देखो वो आदमी जा रहा है, ये तो छोटे बच्चों पे भी अटैक कर देते हैं। अच्छे खासे कुत्तों का चूतिया बना देती है, अच्छे खासे जानवरों का कुत्तों का चूतिया बना। भागते भागते एकदम वो स्माइल छोड़ेगी, वो वहीं सुनता रहेगा। और एकदम बहुत शानदार है यार, बिल्ली से थोड़ा सा बाई है। हाँ। ये भाग गई। अरे रुक जा भाई रुक जा। हाँ। इस जंगल में आपको ये भी मिल सकते हैं। शानदार है, ये फॉरेस्ट में क्या मुझे कभी लोमड़ी दिखाई नहीं। देख रहे हो? भाग गया भाग गया। जंगल से रहता घूमने क्या है पता चला। कुछ हिरन आ रही हैं इसमें, आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं। ये देखो क्या भाग रही हैं। हम लोग शोर ज्यादा कर रहे हैं इसलिए पहले ही भाग जाती हैं और अंधेरा भी होने वाला है। छी हमारे साथी यहाँ पे एक लाइट लगाई हुई है इसलिए मैं आपको दिखा पा रहा हूँ थोड़ा बहुत। इन्होंने हालांकि सोलर के लिए कुछ इंतजाम किए हुए हैं और इधर लाइट है जो इनको भी एक साल पहले ही मिली है। यार ठंड लगनी शुरू हो गई है। अभी वहाँ पे जब थे तो हल्की सी ठंड लग रही थी। मच्छर कैसे रहते हैं? मच्छर तो मच्छर थोड़ा इधर है। रात के लिए बिस्तर तैयार हो गया। देखो ये बिस्तर बिस्तर दिखा दूँ मैं इसमें। काफी बड़ा बिस्तर है, चार आदमी आराम से बैठ सकते हैं और एक सो सकता है सिर्फ। जंगल में मंगल, चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा होगा, सिर्फ एक लाइट है सहारा। अब अंदर की लाइट भी जल गई है। एक बार और दिखा दूं मैं आपको लाइट जलने के बाद कैसा माहौल हो जाता है। तो ये था गुज्जर वन।
थोड़ा ले लो सर। हाँ बस ये आ गए देसी चावल और देसी चटनी। बेटे चम्मच है पढ़ाओ यार बच्चों, लेकिन पढ़ा के भी क्या करो साला, वो रिजर्वेशन है नहीं। नहीं लेकिन राम अपना सिर्फ एक जनरेशन को सैक्रिफाइस करना होता है। नहीं अगर आप सर्दियों में देखो तो ये इतनी यहाँ लेडीज को भी पूरा अधिकार है साथ में खड़े होने का। मुस्लिमों में से दिखाते ना पर्दे में, उसमें ना ना हमारे पर्दे में। अच्छा आपके पर्दा सिस्टम नहीं है। और धीरे धीरे जब बैठने लगते हैं तो फिर असर आने लगता है ना थोड़ा थोड़ा। ये आवाज भी हमारे गुजर ओनली गुजर कोई है नहीं इसमें। और इनके यहाँ पे पहले मीट वगैरह नहीं खाया जाता था, अब थोड़ा बहुत शुरू हो गया। यहाँ तो नहीं खाते लेकिन बाकी देखो ऐसा तो ना चोरी इतना तो यार दोस्त अलग बात है। जहाँ पे हमारे जो लोग 1300 परिवार मतलब 1300 प्लॉट 10 बीघा जमीन वाले, तो उसका उस जमीन में चार भाई भी रह सकते हैं। अच्छा पांच भी रह सकते हैं, तो लगभग समथिंग आबादी होगी गुजरों की वहाँ पे 7-8 हज़ार। कोई दुकान ही नहीं मीठी बल्कि एक खोली थी। बहुत सारी चीज़ें आज एक मतलब सरप्राइजिंग जो होते ना फैक्ट्स। मतलब एक लड़के ने लगाई मुर्गे की दुकान चली नहीं वो। अच्छा भाई अच्छा चली नहीं बिल्कुल ना, वो चलेगी नहीं जो खाने के चलेगा।